और चलिए आगे बढ़ते हैं। संत समागम में शिरकत करने के लिए मेरठ पहुंचे सांसद साक्षी महाराज इन दिनों अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि देश के टुकड़े करने वाले अब यात्रा निकाल रहे हैं। जिन्होंने सिख दंगे कराए वो लोग अब भारत को जोड़ने का नाटक कर रहे हैं। साथ ही RLD और समाजवादी पार्टी की यात्रा में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि छोटे मोटे दल इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं, जल्द ही देश कांग्रेस मुक्त होने वाला है। साक्षी महाराज ने यह भी कहा कि BJP सरकार में सभी तीर्थस्थलों का विकास हुआ है। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है। अब आप यही देख लीजिए किसके पास कपड़े नहीं है, सब लोग तो सब कपड़ों में कटिया पहन रखी है। लेकिन फिर भी जब आदमी कोई आंदोलन करता है तो कुछ न उल्टा सीधा कहेगा ही, तो केवल ऊल जलूल बयान इसलिए दे रहे हैं कि उनके पास विकास की बात करें ना, सड़क की बात करें ना, बिजली की बात करें ना, शौचालय की बात करें ना, सिलेंडर की बात करें ना। गैस सिलेंडर जितने उन्होंने 60-65 साल में दिए थे उतने 13 महीने मोदी जी ने दे दिए, तो विकास की बात नहीं कर रहे। लोकसभा में बहस करें ना, लोकसभा में बहस से क्यों भाग रहे हैं? तो विकास की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें। रोज दंगे होते थे, अब दंगे करने वाले कहाँ चले गए? तो ये जो सही मुद्दे हैं उन मुद्दों से जनता का मन भटकाना चाहते हैं, वहाँ बहस करने के लिए तैयार नहीं है। वो केवल उल जलूल बातें करके जनता को बहकाना चाहते हैं, लेकिन जनता है सब जानती है, आज की सरकार की और पहली सरकार की।